हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो सुबह की ओपनिंग हो रही है ज़हरा के घर पर, और सीन ये है कि सुबह सुबह भी हम लोग पहले ज़हरा के घर पर आए, क्योंकि ज़हरा पर कैफ़ो कुछ काम था, तो वो दोनों जन तो चले गए। अभी मैं घर पर अकेले हूँ। समदानी गया है स्कूल, तो समदानी को मेरे को लेके आना है 11:40 को, और मैं नाश्ता से अभी तो कुछ किया नहीं है। देखती हूँ समदानी आएगा तो उसी के साथ ही साथ मैं भी कुछ खा लूँगी। और अभी सुबह सुबह एक तो इतना दिमाग ख़राब हुआ कि मेरे को हो गई उल्टी, और मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों हुई, किस वजह से हुई, कुछ आइडिया नहीं। क्योंकि रात को मैं खाना खाई और मैं इतनी थक गई थी कि मेरे में हिम्मत नहीं थी, मैंने वॉक नहीं की। मेरे को शायद ये डाउट हो रहा है कि मैंने वॉक नहीं किया, इसीलिए मुझे ऐसा हुआ। क्योंकि वरना मैं खाना खा के थोड़ा सा चल लेती हूँ, पर हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कल रात को चलने की, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना चली हुई थी डी मार्ट और गवंडी, और फिर उसके बाद में सीढ़ी चढ़ के मैं ऊपर गई, नीचे उतरी, हालत उसी में मेरी इतनी टाइट हो गई, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। फिर उसके बाद में घर पर आए, पहुँचे, सिर्फ ऐसी थी कि एकदम खाना खिला और बस बिस्तर पे सो जाने दो, ऐसा हो गया था। मैंने गोली वोली सब ऐसी खा ली थी, रात भर मेरे सीने पे ऐसे ही घूम रहा था, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। और गवंडी में इतने लोग मिले पिछले ब्लॉग में तो मैंने बताया भी नहीं, और एंड भी हमने नहीं किया था पिछले ब्लॉग का रात को। और इतने लोग गवंडी में मिले, इतने लोगों ने प्यार दिया, इतने लोगों ने मेरी तबीयत के बारे में पूछा, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यार शिरीन तुम कैसी हो, कैसी नहीं, सब ठीक है ना, बच्चा ये वो। तो मैंने सबको हंस के मैंने बात किया और बहुत अच्छा लगा, सब लोग ने मेरी हालत पूछी, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यार मतलब गैर लोगों के ना वो लोग पूछ रहे हैं ना, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी यार मेरे को, क्योंकि अपने इतना कोई नहीं पूछता, और लाइक अपने लोग ना अपना फ़र्ज भूल जाते हैं। बट कैसा है ना कि लोग बोलते रहते शिरीन तुम मैं ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम अपने रिश्तों को नहीं देखती हो, ये नहीं देखती। अगर शिरीन रिश्तों को नहीं देखती तो शिरीन हर चीज़ें प्रॉपरली निभाती नहीं, ठीक है। अगर शिरीन दिल में बुक्स लेके रहती तो शिरीन शायद ही बाकी सब चीज़ें करती नहीं, धरती नहीं, ये सब लेके बात बोलते ना, कितना भी लोग बोल देते हैं ये वो करते हैं कि अरे तू ऐसी तू वैसी, फिर भी मैं हंस खेल के रहती हूँ कि नहीं यार चल छोड़ बाद में। मैं दिल में बुक्स नहीं रखती किसी के लिए नहीं रखती। अल्लाह ने इतना मेरे इतना बोलते ना एहसान है कि भाई मैं दिल में किसी के लिए बुक्स नहीं रखती। जो मेरे को कुछ बोल भी देता ना तो मैं बाद में उसको छोड़ देती हूँ, ठीक है चलेगा अल्लाह के भरोसे। बट जो भी चीज़ें, जो भी रिचुअल्स है, जो भी चीज़ें वो कभी कभी बोलते हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है वो शिरीन के लिए लागू नहीं होती। बस ऐसा है कि शिरीन जो भी है, बहू है, बेटी है, जो भी है, तो वो शिरीन को ही वो सब चीज़ों का पे बैक देना, बट शिरीन को उसके रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। इट्स ओके, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे, और कुछ नहीं, बस मुझे मेरा अल्लाह से जो चाहिए था वो अल्लाह ने मुझे दिया। बस यही दुआ करती हूँ कि वो चीज़ भी एकदम नॉर्मली और अच्छे से आ जाए मेरे पास, और कुछ नहीं चाहिए। बस कुछ चीज़ों का है मन में कि यार एक चीज़ वो हो जाती तो किसी का टेंशन नहीं रहता, किसी की ताने नहीं सुनने पड़ते, किसी की बातें नहीं सुननी पड़ती मुझे। बस वो चीज़ हो जाएगी ना इंशाअल्लाह ताला, तो बोलते हैं ना कि कोई चीज़ के नीचे दबके रहना नहीं पड़ेगा मुझे। और गाइस बहुत सी चीज़ें हैं जो शिरीन और कैफ की लाइफ में चलती है, बट कैफ और शिरीन कभी आप लोगों को इतना ओपनली बताते नहीं हैं, बस बुरे बन जाते हैं सबके सामने। हर कोई कमेंट करके करता है कि तुम ऐसे तुम वैसे, बट ऐसा है कि हमको बुरे बन के रहना पड़ता है सिर्फ कुछ चंद चीज़ों के लिए। आप लोग अगर वही बुरा बोलने के बदले अगर आप लोग दुआएं देंगे, प्यार देंगे, तो इंशाल्लाह हर चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी हमारी, इंशाल्लाह सब चीज़ें टल जाएगी, हर बलाएं, हर प्रॉब्लम्स टल जाएगी। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, अगर बुरा बोलने से अच्छा अगर आप लोग हमको दुआ देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप लोग को भी हम कहीं ना कहीं, जैसे आप लोग बोलते कि अरे तुम इसके घर में रहते हो, अरे तुम वैसा करते हो, तुम वैसे करते हो, तो शायद हम वो सब ना करें, शायद हम वो सब चीज़ों पे ना ध्यान दें, हम हमारी चीज़ों पे ध्यान दें। बट ऐसा है कि अभी जो मेरा सिचुएशन चल रहा है तो उस वजह से मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं गाइस। हकीकत में झूठ नहीं बोलूँगी कि
मैं ये नहीं बोलूंगी कि यार मैं एक दुनिया में एक लौती लड़की हूँ जो मैं पेट से हुई हूँ, बट ऐसा है कि होती है चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा होती है गाइस, बहुत ज़्यादा होती है। कभी ऐसा लगता है कि एकदम खुश रहूँ, हंस खेलते रहूँ, फिर कभी ऐसा लगता है कि यार मैं खुश क्यों, मन नहीं कर रहा यार मैं वो खुशी से बैठने का, कुछ ना कुछ बातों पर मैं कैसे लड़ती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बातें याद आ जाती है जो अगली पिछली हुई है वो सब याद आ जाती है कि लोग मेरे साथ क्या करते हैं, मेरे साथ क्या बिहेवियर रखे, मेरे ये जो प्रेगनेंसी की जर्नी में मेरे साथ कितने लोगों ने क्या क्या किया, तो वो सब है ना याद आता है। वो जब हिट करता है ना तो ऐसा लगता है कि यार मैं खुद को नोचूँ या सामने वाले को नोचूँ, ऐसा लग जाता है मुझे, क्योंकि ये बहुत प्रेशियस मोमेंट होता है गाइस, बहुत ज़्यादा प्रेशियस मोमेंट होता है। लोग बोलते हैं कि इसको हंस खेल के निकाल देना चाहिए, बट मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह अकेले, मतलब कैफ तो है ही है, बट एक बोलते नहीं औरत जात अकेले रह के मैंने वो चीज़ को निकाल ली, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने मंथ्स पूरे निकल गए। बिलीव नहीं होता कि जो लड़की खुद को बराबर संभाल नहीं पाती वो ये चीज़ जो इतनी मेरी लाइफ में बहुत क्रिटिकल थी, डॉक्टर ने मुझे एकदम स्ट्रिक्टली सलाह दी थी कि ये नहीं करना वो नहीं करना, बट मैंने मेरे अल्लाह के एहसान से मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया शिरीन बाइक पे ट्रैवल नहीं करना, शिरीन ऐसा हो जाएगा, शिरीन ऐसा हो जाएगा, बट मेरी मजबूरी थी, मैंने हर चीज़ों पे ट्रैवल किया, हर लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल किया, और अल्लाह के करम से ऐसा कुछ 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 नहीं हुआ। बस यही दुआ करना गाइस कि बाकी आगे की भी जो चीज़ें हो सब नॉर्मल हो, सब बराबर हो। तो बस काफ़ी लंबी बात हो गई आप लोगों से, क्योंकि आज पता नहीं सुबह सुबह उठी तो कल से कुछ चीज़ें मन में चल रही थी, तो कल के ब्लॉग में तो इतना बोल नहीं पाई, बट आज मन पता नहीं एकदम ऐसा भारी भारी सा था, तो मैंने आप लोग से शेयर कर लिया कि यार क्या बोलूँ अभी, मतलब मैं खुल के बोल भी नहीं पा रही आप लोगों को, खुल के बोलूँगी तो वो एक अलग मचांड हो जाएगा, बंद अल्फाज में बोल रही हूँ तो आई होप कि आप लोग समझ तो गए होंगे कहीं ना कहीं शिरीन को। तो बस अभी रुकी हूँ मैं, अभी तो कितना 11 बजने हैं, अभी 11:40 को जैनब ने बोला है कि लेने जाना, तब तक लेटती हूँ, और अभी मन तो कुछ कर रहा नहीं खाने का क्योंकि अभी मेरे को वॉमिट हुई है, इसीलिए थोड़ा रिलैक्स करके फिर जाती हूँ। तो आप लोग से मिलती हूँ बाद में गाइस। तो गाइस अभी हो रहा है 11:36, तो मैं जा रही हूँ पानी के स्कूल क्योंकि 11:40 तक लेने जाना है, तो मैंने बोला मैं स्लो चल के आऊँगी, इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी निकल लूँ, तो अभी जाती हूँ फटाफट इसको लेती हूँ, देखती हूँ इसका रिएक्शन क्या रहता है मैं लेकर आई हूँ। तो हमें बाजल आंटी इधर ही बैठे ले चलो चलो कहाँ है दिख रहा ही नहीं है मेरे को समदानी लास्ट समदानी इट्स ओके इतने बच्चे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे देखो पेट में पप्पी तो पहली ही चाहिए। सो गाइस फाइनली आ गए इसको लेके, हालत ख़राब हो गई रे पापा, इसका बैग इतना वजन है, ये भाग गए पहले, दरवाज़ा खुल गया, हाय हाय हालत टाइट, चलो रुको आपको पहले आके खड़ा। कैसा लगा आपका मॉम लेने आई तो? अच्छा, इतने गर्मी में कैप पहन के गए पापा, तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं थी। निकालो चाबी। सो गाइस अभी आया, हाँ है आया, अब इसको चेंज वेंज करी, मस्त पाउडर वाउडर लगा के अब जाती हूँ, देखते हैं अंदर नाश्ते के लिए क्या है हमारे लिए, क्योंकि लगी है मुझे भी भूख, लेट्स सी। सो गाइस अभी समदानी को खिला रही हूँ मैं खाना, हमारा बेटा खाएगा खाना,
और खा वा के फिर सो जाएगा, है कि नहीं? अभी नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी सी। मॉम के साथ सोएगा नहीं? अखा मसूर और चावल जरा उन्हें बनाई है, अभी खिला देती है इसको। मम्मी को नींद में तो लग रहा है, और जब चावल जाएगा पेट में तो खुद ब खुद नींद आ जाएगी। दरवाजा खोल नहीं रहे लो। देखो गाइस इतने बेकार लोग हैं लोग। हाँ मैं बाहर इससे टैब मंगा रही हूँ, मेरे को टैब नहीं देने लगा है आदमी ने, और इसके बाद मस्त लेट के यहाँ पर टैब में देखो वीडियो देखते हैं बेटा। मस्त बेडरूम में लेटे ले लोग दोनों। सो गाइस काफी टाइम से हम लोग दीदी के घर पे थे और शिरीन अभी भी यही है। हमको जो काम से हम लोग गए थे अलहमदिल्ला, काम का जो भी थी बात वगैरह सारी चीज़ें तो हो गई है। अब जा रहा हूँ मैं घर, टाइम हो चुका है 4:30-5:15 हो रहे। घर जाके नहाता हूँ और घर थोड़ा साफ़ करके लोबान करना है जुमेरात आज, तो वो सब पटा के फिर इंशाल्लाह मैं आऊँगा रिटर्न। तो देखता हूँ, कोशिश करता हूँ घर पे शूट कर लूँगा, कुछ ना कुछ आप लोगों को दिखा दूँगा अगर कुछ देखने के लायक दिखाने के लायक की चीज़ें होगी तो, वरना रिटर्न आने के बाद ही मैं आपसे मिलता हूँ डायरेक्टली अभी गाइस। तो बस बने रहिए वीडियो में, मिलता है फिर थोड़ा टाइम बाद। सो गाइज अलहमदिल्ला लोबान कर दिया मैंने, अलहमदिल्ला मगरिब भी हो गई है और बस अभी जा रहा हूँ मैं रिटर्न। जैनब दीदी के वहाँ चेंज वगैरह मैंने कर लिया है, तो बस अभी वहाँ पहुँचता हूँ, देखते क्या है क्या नहीं सीन, फिर इंशाल्लाह उसके बाद आपसे मिलते, बने रहिए इस वीडियो में। सो गाइज मैं आ चुका हूँ दीदी के घर और घर आके भी मुझे तकरीबन 10-15 मिनट हो गया। तो शिरीन बस हम लोग वही डिसाइड कर रहे थे कि आज के ब्लॉग के लिए करना क्या है, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ है ही नहीं आज के ब्लॉग का, बट देखते कुछ ना कुछ अगर पॉसिबल रहा तो वो कर लेंगे। और अभी शिरीन आ गई है किचन में क्योंकि उसको लग रही थी भूख, तो दोपहर में उसने चावल दोपहर में बनाई थी ना, दोपहर में उसने थोड़ा चावल बनाई थी तो वो बच गया था। और मेरे को कब से बोल रही है खा लो, बट मेरा मन नहीं था तो मैं अभी आया देखने। मैंने इसको पूछा जान क्या है खाने के लिए, तो बोलिए अभी रहने दो, अभी कुछ भी नहीं है, मेरे को भूख लग रही है, वो चावल को ये कुछ बगार रही है ना। वरना मैं तो खाती हूँ नहीं, जबकि मैंने दोपहर को मैंने ना खाना खाई और अभी मैंने थोड़ी देर बैठ के ना मैंने एप्पल भी खाई, दो एप्पल का मेरी हालत एकदम ये हो गई है, क्योंकि मेरे को तुम भूख लगी ना, मैंने बोली बर्दाश्त नहीं हो रही है मेरे से भूख। मैं उठी, मैं बोली क्या नहीं, मैं बोलना, और मैं इनको कब से बोल रही जान कुछ सालन लेके आ जाओ और चावल है बनाई हूँ वो खा लो, वो खा लो, पर ये आदमी सुनने तैयार नहीं है। क्या बाबा और बाकी इसको कढ़ाई में अभी तेल करके मैं बगार लूंगी। बगार के लिए क्या क्या है यहाँ पे वो देख लो आप, सिर्फ हरी मिर्ची और ये और राई डालूंगी, बस दैट्स इट। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ बाज़ार और अचानक से शिरीन का प्लान ये हो गया कि ये तो अभी मैं खा लूँगी बट रात के खाने का क्या करेंगे, तो रात के खाने का भी इन लोग ने डिसाइड किया है कि दही कढ़ी वही भजिया डाल के और चावल बना लेंगे। तो अभी जा रहा हूँ मैं उसके लिए सामान वगैरह लेके रहता हूँ, जैसे दही बेसन, बेसन है ऑलरेडी बट दीदी बोले कि थोड़ा और फ्रेश नया माल ले लो करके, तो अभी जाके ये सब लेकर आता हूँ और देखता हूँ अगर मेरे लिए कुछ खाने के लिए दिखता है तो मैं वो भी ले लेता हूँ। तो चलिए अभी जाके फटाफट ये लेकर आता हूँ फिर आकर आपसे मिलता हूँ, बने रहिए। सो गाइस हम लोग ने फ्राई चावल तो खा लिए थे कैफर मैंने, और अभी यहाँ पर जैनब बना रही है पेस्ट दही की कड़ी, और मैंने बहुत बार मैंने बोली थी कि दही कड़ी खाना, दही कड़ी खाना, कैफ नहीं खाते हैं बोल के मैं नहीं खा पाई, बट अभी फाइनली जैनब बना रही है। तो आप लोग किस तरीके से बनाते हो वो भी बता देना। इसमें अभी दही की कढ़ी खा रही है ना, तो फिर लोग तेरे को कमेंट करेंगे कि तू प्रेग्नेंट है ठंडा नहीं खाते, अभी क्या कर सकते हैं। इसमें दही और बेसन गया है, और अभी और क्या जाएगा, कुछ नहीं ना? नहीं बस वो अलग तरीके से बना रही, सिंपल हो ज्यादा सादी एकदम बना रही हूं मैं, बाकी सब चीज का लहसुन वगैरह सबका बगा रही हूं। ओके
सो गाइज यहाँ पर अभी कांदा और बेसन गया है भजिए के लिए। सो गाइज मैडम ने घर में कांदा सिर्फ दो ही था, बताई भी नहीं, तो अभी इतने से कई भजिया बन रहा है इसमें गया है। कड़ी पत्ता, कोतमीर, जीरा नहीं डाली, हल्का सा दिख रहा नहीं है जीरा मुझे, जीरा डालना अच्छा लगता है, ढूंढना उसको बैठ के, बैठ के ढूंढू। और कोतमीर, हरी मिर्ची मैंने मना कर दी क्योंकि फिर अगर कैफ खाएगा तो किरकी नहीं करेगा इससे, तो क्लबिंग नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो गाइस यहाँ तेल जा रहा है कढ़ाई में, मिक्सी में डाल दिया सर ने कोतमीर, हरी मिर्ची, जीरा और यहाँ पर तेल अभी भी गर्म हो रहा है, भजिए तो तल लिए है और अभी तेल गर्म। सो इसी में डाल दिया सर ने हल्दी और नमक और इसका बना लेगी पेस्ट, लहसुन नहीं बगैर गर्म तेल में जैनब ने डाला है लहसुन कूट के, उसमें से ये नहीं निकाला, क्या नहीं निकाली है, छिलका नहीं निकाली है क्योंकि वैसे ही टेस्ट आता है। अभी इसमें आ रही है राई, मेरे आदमी ने ना गांव से लाया था ना लहसुन, यस आपके आदमी ने ना गांव से लाया था लहसुन, अभी इंशाल्लाह ब्लॉग देखेंगे जैनब के ससुराल वाले तो छिले हुए लहसुन भेजेंगे बहुरिया के लिए। तो अभी इसमें जा रहा है थोड़ा सा हिंग पाउडर, डाइवेशन केरला से लगे, यस इसने केरला से लगे हैं ऑर्गेनिक, और बिस्मिल्लाह। और जो जैनब ने मिक्सचर बनाई थी ना उसका, किसका, हरी मिर्ची और कोतमीर का, वो भी मिक्स कर दी। वैसे हम लोग अलग तरीके से बनाते हैं, मेरी नानी ने मेरे को सिखाए थे, मेरी नानी जो बनाते थे ना वो बिना फेटी हुई दही का बनाते थे, बहुत अच्छी दही का बना, वो कच्ची दही का बनाते थे, वो बहुत अलग रहती थी, बट अभी वैसा नहीं बनाई है जैनब ने, जैनब ने इस तरीके से बनाई, वो टेस्ट आ नहीं सकता इसकी, यस। सो गाइज हम लोग घर पर आ गए और पता नहीं आज एकदम ही थकावट सी लगने लगी, बदन एकदम साथ ही नहीं दे रहा था, तो कुछ करने का मन ही नहीं किया। और कैफ और जैनब गए थे बस कुछ काम से, तो वो काम हम इंशाल्लाह दुआ करो गाइज कि काम भी हो जाए, कुछ काम से जो गए थे वो लोग, और काम है यस गाइज बहुत ज़रूरी काम है। और काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि शेरिन रोड पे से लेती हो, रोड पे से लेती हो, तो ये मेरी अभी से आदत नहीं है, मैं अभी पहले ही बता देती हूँ, मैं हर एक चीज़ मैंने हमेशा मेंशन की है, मेरी नवी आदत नहीं है कि मैं अभी अभी से ही हर सामान, चाहे वो मेरे लिए हो या वो चाहे वो किसी और के लिए हो, कि मैंने रोड पे से लिया है। और रोड पे से लिया है तो मतलब क्या वो दुकान नहीं होती, मतलब वो कमाने नहीं बैठे, वो कमाने नहीं बैठे, वो इंसान नहीं है, उन लोगों का घर नहीं चलाना, उन लोगों को कुछ खाने पीने के लिए क्या पैसे नहीं लगते, क्या उनकी औरतें नहीं है, क्या उनकी माएँ नहीं है, क्या उनके बाप नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, कोई नहीं है क्या, हमेशा क्या सिर्फ दुकान से ही लेते रहो, दुकान से ही लेते रहो। मैं तो यही प्रेफर करती हूँ, मेरे घर में मैं अम्मी ने भी बहुत बार मेंशन की है वीडियो में भी कि ये हमारे घर की बच्ची जो हर सामान ऐसा कुछ भी ऐसा महंगा सामान लेती नहीं है, सस्ता सामान लेती है, मेरी वो आदत है, मुझे पसंद है, मैं महंगी शॉपिंग भी करती हूँ, मैं सस्ती शॉपिंग भी करती हूँ, और मैं ये चीज़ नहीं सोचती कि यार महंगा सस्ता महंगा सस्ता, मेरे को जहाँ अच्छा लगता है ना मैं वहाँ जाके लेती हूँ, मेरा मन जहाँ बोलता है मैं वहाँ लेती हूँ, मैं शायद वो लोगों से पैसे लेके तो नहीं शॉपिंग कर रही, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लोगों को इतनी तकलीफ़ क्यों होती है, किस वजह से होती है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और बहुत लोग बोल रहे कि क्या हो गया, बॉस ने निकाल दिया, बॉस ने निकाल दिया, बॉस ने हकाल दिया, तो शायद आप लोग ने वीडियो देखा रहेगा कि अम्मी गए दिल्ली, ठीक है, तो अम्मी घर पर है नहीं, तो हम जाके भी क्या करें, हाँ अगर चलो हमारा कुछ चल भी रहा है इशू, तो यार वो कहीं ना कहीं वो एक पर्सनल है, हाँ वो ठीक है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मैंने हमेशा कहा है कि घर में बर्तन है वो बचेंगे, हमारी माँ हमको 100 बार हकलती, और फिर उसके बाद में एक कमेंट ये भी था कि भाई माँ ने निकाला तो बाप की सेवा शुरू, मैंने सेवा अगर मुझे करना रहता ना तो मैं 24 घंटा ना मैं वहीं पड़ी रहती, मैं रात दिन अब्बा को सब कुछ भेजती, बस अब्बा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इसी वजह से मैंने कैफ को बोला कि कैफ जाके अब्बा को नाश्ता दे दो,
और कैसा है ना कि मेरे अब्बा भी ज़्यादा यहाँ रहते नहीं है, शायद बहुत लोगों को पता है कि मेरे अब्बा की ऑलरेडी, मैं अभी खुला मेंशन करती हूँ, मेरे अब्बा की ऑलरेडी सेकेंड शादी हुई हुई है, ठीक है। मेरे अब्बा मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं ना कहीं वहाँ रहते हैं, ठीक है। और ऐसा है कि हमको कोई हर्ज नहीं है, वो उनकी ज़िंदगी है, वो उनकी लाइफस्टाइल है, उनको जैसा जीना है हम जीने देते हैं। हम बेटियाँ कुछ नहीं बोलते, किसी को नहीं बोलते, ना हमारी माँ को हम बोलते, ना हमारे बाप को हम बोलते, हम किसी को कुछ नहीं बोलते। बस हमारे लाइफ में जो भी चलता है, हम बस घड़ी को बोलते ना, जैसी घड़ी चल रही है हम चलने देते। हम कभी ये नहीं बोलते कि यार ये काटा पीछे कर ले गया खुद से, हम नहीं करना चाहते। हमको ऐसा है कि बस जो जैसा चल रहा है वो चले। और मैंने हमेशा कहा है कि यार हर बार सोचो समझो फिर आप लोग पॉइंट करो, और मैं अभी भी यही बोलूँगी कि यार हम लोग को मत पॉइंट करो, हम लोग को मत पॉइंट करो, क्योंकि आप लोग नहीं जानते कि हम लोग क्या 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 चीज़ों से, सिचुएशन से जाते हैं, क्या क्या चीज़ों को हम लोग फेस कर रहे हैं। तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करती हूँ कि जज मत करो। हाँ ठीक है, अम्मी और हमारी कुछ बात हो गई, नोकझोंक हो गई, बात ठीक है, हाँ हो गई, ठीक है, वो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। ऐसा है कि देखो कोई औलाद अपने माँ से तो दूर रहती नहीं है, ठीक है। आज कितना भी कुछ भी हुआ हो, आज हम मैं ससुराल जाती हूँ, जो भी जाती हूँ, लाख चीज़ें हुई हो, लाख के करोड़ों चीज़ें हुई, बट कभी कैफ की मम्मी ने कैफ को अलग नहीं करे, मेरी सास ने कभी अलग नहीं करे उनको। आज भी अभी थोड़ी देर पहले ही कैफ फ़ोन पे बात कर रहे थे, मम्मी से ही बात कर रहे थे। कितने बज रहे? 1:32 हो रहा है। 1:32 हो रहा है और अभी भी मम्मी से कितनी देर से बात कर रहे तुमने? एक घंटे का कॉल ऑलमोस्ट 54 मिनट्स का कॉल हुआ है। नहीं, वो नाम दिखने देना, नंबर ये देखो 54 मिनट्स यहाँ पर आपको उल्टा दिख रहा है। 12:30 बजे से चालू था, अभी भी नहीं रखता था मैं कॉल, देखो नींद आ रही है, इसके लिए मम्मी भी बोले छोड़ तू जा सो जा, अपन कल बात करेंगे। तो मैं यही बोलूंगी कि आप लोग जज करते हो, हर चीज़ों को जज करते हो। मैं अभी भी बोलती हूँ कि कुछ चीज़ें अभी नहीं ओपन कर सकते, नहीं ओपन कर सकती, क्योंकि हमारी बहुत मजबूरी है, बहुत हाथ दबा हुआ है हमारा। इसीलिए इंशाल्लाह हमारा जब अलग से संसार हो जाएगा, जब हर चीज़ें अलग हो जाएगी, हम भी कहीं सेटल प्रॉपरली हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को हर चीज़ें हम धीरे 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 करके डिटेल में देते रहेंगे। और बिना जाने बिना पहचाने प्लीज़ हम लोग गलत मत ठहराओ। और एक कमेंट आया है, मेरे को वो चीज़ पहले अभी क्लियर करना है, मैंने और हमारी औलाद है, मैं सेकंड मेरे को पहले कंप्लीट करने दे। बोलो चिरन, तेरा भाई है, तूने मेरे को बताया नहीं कभी। मुझे ही नहीं मालूम, मैंने भी देखा था वो कमेंट कि मेरा भाई है, एक भाई है मुझे, तो मुझे भी नहीं मालूम। तो मैंने वो कमेंट पे रिप्लाई किया कि वो कज़िन है। नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है गाइस, मेरा कोई भाई नहीं है, हम दो बहन हैं। मैं अभी भी बोलती हूँ हम दो बहन हैं, और अब्बा की जो पहले वाइफ से है वो उनके बच्चे हैं, क्या है वो अल्लाह बेहतर जाने, वो उनकी लाइफ है, ठीक है। जो भी उनकी चीज़ें हैं भाई वो उनका है, वो उनका पर्सनल मैटर है भाई। हाँ। उनके उसमें हम जाते नहीं हैं, और जो भी उनकी औलाद है उस तरफ से भी वो हमारे पर्सनल मैटर में आते नहीं हैं। तो इसके लिए मुझे किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। और 2 साल की उम्र से बहुत सी चीज़ें झेलते हुए आई हूँ, और मेरे से पहले जैनब ने बहुत सी चीज़ें देखी है। तो यही बोलना है कि हम लोग बहुत बहुत मजबूत लड़कियाँ हैं, बहुत स्ट्रांग है हम लोग, कि आज भी हम डटे हुए हर चीज़ों को लेकर। तो यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यार प्लीज़ बस कर दो अब तो बस कर दो। और मैंने आज एक वीडियो देखा निदा का, निदा सुफियान जो है उनका एक वीडियो देखा मैंने, कि इंस्टाग्राम में मैं रील स्क्रॉल कर रही थी, रील स्क्रॉल करते करते एक वीडियो आया, देखी मैंने। अब ज़्यादा रिएक्ट मत करो, नहीं तो मैं चिढ़ के कुछ बोल दूँगी, ठीक है ना। तो उतने मैं रील स्क्रॉल कर रही थी, रील स्क्रॉल करते करते एक वीडियो आया जिसमें निदा रो रही है और रो के कह रही है कि एक कमेंट था कि अगर तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, अल्लाह ना करे किसी की औलाद के बारे में ऐसा बोलना, कि अगर तुम्हारी औलाद मर जाएगी तो तुम्हारे पास और भी अच्छा कंटेंट आएगा, तभी भी तुम अच्छे से ब्लॉगिंग करना। तो वो चीज़ है ना बहुत वियर्ड लगी मुझे, और ऐसा हो गया कि यार वो चीज़ सुनी ना मैंने, मेरे हाथ पे ना एकदम ठंडे पड़ गए। मैंने बोला या अल्लाह कि यार ऐसे भी लोग हैं जो एक छोटी सी जान को, जिसको कुछ पता नहीं, जो किसी को कुछ बोली नहीं, कुछ नहीं,
वो अभी अभी इस दुनिया में आई है, वो दुनिया अभी पहचान रही है, और उसको कोई ऐसा बोल देगा आज हमारी औलाद आएगी तो यार मेरे को ये डर है कि कहीं ना कहीं मेरी औलाद को कोई कुछ बोलेगा तो मैं क्या कर लूँगी, मैं क्या बोलूँगी, मैं उसको अगर फेक आईडी से आता तो मैं उसको कहाँ ढूँढूँगी, मैं कहाँ तक पहुँचूँगी, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा है। मेरे को बस ऐसा है कि बस वो चीज़ देख के उसका रोना देख के ना मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। और एक चीज़ बोलूँगी कि कहीं ना कहीं मैं बोलती थी कि हाँ यार कुछ चीज़ों को लेके, बट ऐसा है कि यार जो एक छोटे से बच्चा है यार उसको लेके तो कम से कम मत बोलो, रिक्वेस्ट है कि यार वो चीज़ को लेके तो बिल्कुल भी मत बोलो यार, थोड़ा तो सोचो यार, वो बच्चा ना आपके एक में है ना आपके दो में, उसको बोलते हो कि यार वो मर जाएगा तो आपके पास कंटेंट आएगा, बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है, क्या बोल रहे हो क्या लिख रहे हो इतना तो सोचो। औलाद नहीं है क्या यार, लोग कैसे बोल रहे हैं? अगर यही सब यही चीज अगर आपकी माँ को बोली जाती जब आप पैदा होते तो कैसा लगता, आपकी माँ को कैसा महसूस होता? मैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये कोई कंटेंट के हिसाब से हमने बात नहीं छेड़े, नहीं मैं बस तो पता भी नहीं थी ये चीज, शिरन के मुंह से मेरे को अभी पता चली कि ऐसी की बात ऐसी है, मुझे पता नहीं। गाइस मैं ना बस जब सुनी ना वो चीज मैं बहुत शॉक थी, मैं बहुत ज्यादा शॉक थी कि यार इतने हद तक बोलते हैं लोग, इतने हद तक ये सोशल मीडिया इतने हद तक गिरता है, ये प्लेटफॉर्म इतने हद तक गिरता है, बहुत गलत बात है यार। बस मैं ना मेरे को कुछ कंटेनमेंट देखो नहीं है दिखाने के लिए, मैंने सीधा सीधा बोला नहीं है दिखाने के, बट जो वो बात थी ना मेरे मन में ना खटक रही थी बार 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 कि यार वो बहुत छोटा है, वो एक साल का भी नहीं हुआ है, एक साल का भी नहीं हुआ है ना शायद, नहीं हुआ है शायद वो एक साल का भी नहीं हुआ है, और मैंने बस रील पे देखा वो भी उसका रोते हुए वीडियो, तो मैंने रुका है, मैंने क्या है ये, तो मैंने जब देखा मैं अल्लाह रहम करे वो जब रो रो के बोल रही थी मेरे को बहुत बुरा लगा। तो कुछ नहीं, बस यही रिक्वेस्ट है गाइस कि प्लीज़ कोई औलाद को ना बोले, और हाँ हमारी औलाद होगी तो बहुत से लोगों को लगता है हमारा घर बॉस चलाते हैं, बहुत से लोगों को लगता है हमारा घर मेरे अब्बा चलाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी भी मेंशन करती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी जबान के साथ मैं बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो चुगलखोर लोग हैं ठीक है, जो जो भी हेटर्स हैं वो अलग दर किनारे, जो मेरे हमारे घर में नागन बन के बैठे हुए हैं ठीक है, वो लोग को बोल रही हूँ, क्योंकि हर बात वो लोग है ना मेरी अम्मी को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, मैं एक बात बता देती हूँ गाइस, और यही बड़ा चढ़ाने के चक्कर में मेरी अम्मी को कुछ चीज़ें ऐसी हर्ट हुई कि अम्मी का और हमारा थोड़ी बहुत बातें क्लैश हो गई ठीक है, और वो नागन लोग अल्लाह उनको कब भी बोले ना मैं तो आज मैं पेट में कसम से बोलते ना ये पेट से औरत की बोलते ना कोई भी जबान कभी भी कबूल होती, मैंने ना कभी मैंने बुरा नहीं चाही मैंने किसी का, बट ये मैं आज ज़रूर बोलूँगी कि ना कभी अच्छा नहीं होगा, कभी अच्छा नहीं होगा अगर किसी का घर आप बर्बाद कर रहे हो ना हक पे। और बात सिर्फ इसके अम्मी के घर की नहीं है ना, मैं ये भी बोलूँगा कि मेरे घर की भी बात नहीं बोलूँगा, इन जनरल मैं बोलूंगा कि किसी के भी घर में ये चीज मत करो। नहीं बात मैं यहाँ पर जो कर रही ना कैफ वो मेरे घर से रिलेट कर रही हूँ मैं, मुझे बाकियों का नहीं फर्क पड़ता, बस जो मेरे घर में आग लगा रहे हैं मेरे घर में यहाँ पर जो वो तालते जा रहे हैं ना घी, तो वो चीज नहीं करो ठीक है, हम माँ बेटियां हैं, हम लड़ेंगे झगड़ेंगे बाद में हम एक ही होंगे, तुम नहीं आओगे हमारी माँ के लिए, हमको ही भागना है हमको ही जाना है ठीक है। और मैं इतना बोलूँगी कि अम्मी मेरा घर नहीं चलाते हैं, आज हम YouTube से जो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से जो भी कमाते हैं हम हमारा घर उस पर चलता है, और छोटी मोटी चीज़ें जो साइड बाय साइड हमने करके रखी है एक सेविंग के तौर पर हमारा घर उससे चलता है, बस अल्हम्दुलिल्लाह इतना चलता है कि हम लोग हंसी खुशी हमारा बोलते ना हर चीज़ें जो जो हमारी ख्वाहिशें यस वो सब पूरा कर लेते हैं, हम वो सब पूरा करते हैं, जहाँ जाना है वहाँ जाते हैं, जहाँ घूमना है वहाँ घूमते, हमने दिल में बुक्स रख के नहीं चले, पर लोगों ने हर बार हमारी माँ को भड़काते गए भड़काते गए भड़काते, और आज भी आज हम गलत नहीं है तो हमको वो चीज़ और आगे भी हम गलत नहीं रहेंगे कभी, बस ये है कि कहीं ना कहीं अल्लाह अम्मी को भी समझ दे कि क्या लोग बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे, तो उस पर यकीन ना करें हमारी माँ भी। तो बस
यही बोलूंगी चुड़ैलों को कि यार कम से कम घर बोलते ना वो कर रहे हो तो ये भी सोचो तुम्हारे भी घर में बर्तन है, ठीक है, तुम्हारे भी चीज़ों में बहुत सी चीज़ें हैं। अब मैं बोलूँगी ज़्यादा ओपनली तो रोना धोना सामने मेरी माँ के कर देंगे, करेंगे एक्टिंग करेंगे, तो इसीलिए इट्स बेटर कि मैं अभी ज़्यादा बोलूँगी तो फिर वो अम्मी तो मेरे पे भड़केंगे, क्योंकि हम कितना भी हो माँ अपनी औलाद को गुस्सा करती, गैरों को गुस्सा करके तो कुछ फायदा है नहीं। और हमने किसी का नाम नहीं लिया, नाम लेके अभी बिना मतलब का उंगली नहीं करना है। हाँ, जो खुद को नागन समझता है ना वो चुगली बिंदास कर देना मेरी माँ को अपने आंग पे, फिर मुझे भी मालूम पड़ेगा और तुमको मालूम है और तुम लोगों को मालूम है बहुत अच्छे से कि शिरीन क्या भला है। तो शिरीन उंगली करे बिगड़ के, उंगली तो छोड़ दो, शिरीन तो पूरा पूरा हाथ करती है। तो अगर जिस किसी ने भी मेरी माँ तक ये बातें पहुँचाई तो मैं समझूंगी ये कि वो ही है वो नागन जिसने जी उंगली करी थी, ठीक है। तो गाइस बस यही का तो मतलब आज का हमारा दिन कुछ नहीं था, बस थकावट हो चुकी थी। इंशाल्लाह कल देखते हैं कुछ ना कुछ ट्राई करते। बस मैं निकला बट मैं वहाँ शूट नहीं कर पाया। yes. अगर मैं करता तो शायद आधा घंटा मैं वहीं शूट कर लूँगा। तो चलो एनीवेज गाइस बस यही खत्म होता है आज का हमारे दिन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्यार देते रहना, प्यार बढ़ाते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज़।